कोरोलेशन में जैसा हम बात कर रहे करें इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स और मोस्टली हम प्रोडक्ट मोमेंट कोरलेन यूज़ करते हैं दे अदर मेथड्स फॉर कॉरलेशन को फाइंड आउट करने के लेकिन व्हाट आर द रिसर्च डिज़ाइन मोस्टली दैट फॉलो फ्रॉम कोरेशनल रिसर्च जैसा मैंने बताया कि हमारी स्टार्ट जो है वो कौन सा हमने एनालिसिस यूज़ करना है ये कौन सा टेस्ट टेस्टिंग हाइपोथिस में यूज़ करना है दैट विल कम फ्राम आर रिसर्च डिज़ाइन तो हमारी को रिलेशनल रिसर्च के अंदर दो तरह के मोस्ट कॉमनली यूज रिसर्च डिज़ाइन हैं इसको एक क्रॉस सेक्शनल और दूसरा हमारा है लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च डिज़ाइन क्रॉस सेक्शनल वैसे मोस्ट कॉमनली यूज है लेकिन सम स्टूडेंट्स मिस्टेकली जैसे जेंडर को स्टडी करें मेल फीमेल में डिफरेंसेस भी वो उसको क्रॉस सेक्शनल में डाल देते हैं क्रॉस सेक्शनल का मतलब है कि यू आर गेटिंग अ डेटा फ्राम पॉपुलेशन वन पॉइंट एट टाइम यानी आप एक ही वक्त में डेटा ड्रॉ कर रहे हैं मसलन फ़र्श करें मैं जानना चाहती हूँ कि ग्रेड वाइज बच्चे के आई क्यू पर क्या फ़र्क आता है यानी अगर वो सिक्स ग्रेड में था तो उसका आई क्यू कैसा था सेवन में एट्थ में नाइन्थ में और टेंथ तक आते उसकी कॉग्नेटिव अबिलिटीज कैसे एक्सपैंड हुई और कैसे आ, उसका आई क्यू लेवल कैसे चेंज हुआ या वो सेम रहा सो आई वॉन्ट टू स्टडी दिस तो मैं क्या करूँगी क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन के अंदर

तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन जब आप पॉपुलेशन में से डेटा वन ए ही वक्त में डिफरेंट uh, सेक्शन uh, से या डिफरेंट uh, uh, आप uh, उनसे निकाल रहे हैं डेटा um, इसके बरक्स जब हम बात करें कि लॉन्गी डिज़ाइन की तो लॉन्गील डिज़ाइन इज ऑपोजिट इसके अंदर हम ओवर द टाइम चेंजेस देखते हैं uh, बच्चे के अंदर जैसा अगर मैंने इसी एग्जांपल को जो मैंने आपको पीछे दी है कि हाउ आपकी कॉगनेटिव एबिलिटीज़ और आपका आई क्यू चेंज ओवर टाइम तो मैंने उसमें सिक्स ग्रेड के बच्चों को ही मैं ले करके चलूँगी उनको मैं सिक्स ग्रेड में उनका टेस्ट करूँगी फिर मैं सेवन ग्रेड में करूँगी फिर एट्थ में और फिर नाइन्थ में और फिर टेंथ में सो लॉन्गीडनली आई विल स्टडी द सेम ग्रुप ओवर द ईयर्स और मैं देखूँगी कि इनके अंदर uh, क्या चेंजेज़ ओवर द टाइम आए हैं सो दैट्स अ लॉन्गील रिसर्च डिज़ाइन और दोनों के अपने अपने ड्रॉबैक्स हैं और दोनों की अपने अपने फ़ायदे हैं फॉर uh, एग्ज़ाम्पल आपकी uh, जो क्रॉस uh, सेक्शनल के हैं आपके फ़ायदे है कि आपको डेटा एक ही वक्त में मिल जाता है आपको क्विकली आप ले लेते हैं और आप उसमें देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस हैं लेकिन आपकी ओवर द टाइम चेंजेस क्या सैंपल में आई है वो आप स्टडी नहीं कर सकते और बहुत सी और भी इंफॉर्मेशन आप मिस कर देते हैं जबकि लॉन्गी में इट इज़ यूजफुल फॉर असेसिंग चेंजेज़ इन बिहेवियर सीन इन इंडिविजुअल ओवर द टाइम और डिज़ाइन इज़ ऑल्सो बेस्ट फॉर सर्वे फॉर स्टडिंग द इफ़ेक्ट ऑफ नेचुरली अक्रिंग इवेंट्स जैसा uh, बहुत सी ऐसी फॉर uh, एग्ज़ाम्पल uh, बच्चों में हम स्टडी करना चाहते हैं कि ओवर द ईयर ये चीज़ कैसे चेंज होती है फॉर एग्ज़ाम्पल ए डी एच डी के हाइपर एक्टिविटी के हम देखते हैं कि कैसे चेंजेज़ आती हैं तो बहुत से ऐसे फिनमज़ हैं बहुत सी ऐसी हमारे um, वेरिएबल्स हैं जिनको स्टडी करने के लिए लॉन्ग डिज़ाइन सही है लेकिन इसका नुकसान जो होता है कि आपका एट्रीशन आ जाता है आपका सैंपल साइज़ वो दोबारा नहीं मिलता एक ही सैंपल को लॉन्ग टाइम तक फॉलो करने में बहुत सी चीज़ें आपकी वो एग्जैक्टली exactly वैसी नहीं रहती सो यू लूज सम डेटा और अवेलेबलिटी नहीं होती फॉर द सेम सैम्पल ओवर एंड ओवर द ईयर्स Uh, लेकिन यहाँ पे आपको रिसर्च डिज़ाइंस का बताने का मकसद है कि जब हम स्टिस्टिक्स लगाएंगे तो आपने ये सारी चीज़ें याद रखनी है कि वॉट रिसर्च डिज़ाइंस वी टॉक्ड अबाउट और फिर हम देखेंगे कि हर डिज़ाइन से किस तरह डिफरेंट स्टिस्टिकल एनालिसिस और टेस्टिंग हाइपोथेसिस में कौन से डिफरेंट टेस्ट हम उनको यूज़ करेंगे और किस तरह से हम क्वेश्चन uh, के आंसर्स uh, दे सकते हैं